हे गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ संध्या। कैसे हैं आप सब? तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेडिंग सीरीज से रिलेटेड कुछ लुक्स, जिसमें मैं आज का लुक है ये रोका सेरेमनी मेकअप लुक। बहुत ही सिंपल मैंने ये लुक रेडी किया है। रोका लुक को ध्यान में रखते हुए मैंने इस लुक को बहुत ही सटल रखा है। प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट भी जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस लुक का ट्यूटोरियल देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग अगर मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं टोनर का यूज़ करती हूँ। एंड टोनर को अच्छे से गाइस बिल्कुल लगाना चाहिए, ये आपकी स्किन को टाइटन अप रखता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन की ब्रो स्टिक ली है एंड इससे मैंने अपनी ब्रोज को फिल किया है। एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल क्रीमी पेंसिल है, ओनली ₹63 में ये मुझे मिली एंड इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत ही अच्छे से आपकी ये ब्रोज को फिलअप करता है। एंड नेचुरल लुक देने के लिए मैंने स्पूली की हेल्प से इसको कॉम किया है। देन मैंने अपने फेस को प्रेप करते हुए टोनर के बाद यहाँ पे जॉनसन्स बेबी की क्रीम लगाई है। बहुत ही अच्छी क्रीम है एंड बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। बेबीज की स्किन जिस तरह से ये सॉफ्ट कर देता है, ऐसे इसने मेरी स्किन को भी सॉफ्ट कर दिया। बहुत ही अच्छी अफोर्डेबल क्रीम है। अगर आप डेली यूज में भी सिर्फ यूज करेंगे ना तो आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही अच्छी सॉफ्ट क्रीम, आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन का यूज़ किया, अरोमा मैजिक की सनस्क्रीन लगाई है। मैं सनस्क्रीन को कभी भी स्किप नहीं करती, चाहे वो ट्यूटोरियल हो इवन या फिर मेरे डेली रूटीन में मैं हमेशा से सनस्क्रीन को यूज़ करती हूँ। चाहे मुझे सन को फेस करना हो या नहीं, मैं सनस्क्रीन को कभी स्किप नहीं करती, बिकॉज सनस्क्रीन आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्किन का प्रेप होने के बाद मैंने बहुत ही सटल लुक रखा है यहाँ पे। तो मैंने सीधा यहाँ पे लैक्मे का प्राइमर यूज़ किया है। थोड़ा ब्लर इम्पैक्ट देता है आपकी स्किन को, बट बहुत अच्छे से आपकी स्किन को आपके पोर्स को ये फिल करता है एंड आपकी स्किन को एक स्मूथनेस देता है एंड आपका मेकअप को लॉन्ग लास्ट रखता है। सबसे बड़ी बात है आपके मेकअप को लॉन्ग लास्ट रखता है। एंड प्राइमर्स अपने मेकअप में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। उसके बाद मैंने अपने आईज़ को कंसील किया है, एलए गर्ल प्रो का कंसीलर यूज़ किया है। एंड ये मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है, बट अब ये आ चुका था तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। इसके ऊपर मैं कोई और कंसीलर भी लगा लेती हूँ। तो अपने अंडर आइज़ पे मैंने बहुत ही हल्का हल्का लगाया है, मैंने दूसरा कंसीलर यहाँ पे यूज़ नहीं किया। देन मैंने लैक्मे का फाउंडेशन यहाँ पे लगाया है इन द शेड N220 न्यूट्रल मीडियम एंड ये मेरा न्यू फाउंडेशन है। देन मैंने इसको अपनी पूरी स्किन पे लगाने के बाद एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जब मैंने इसको लगाया तो मुझे लगा कि ये मेरे स्किन को अच्छे से कवरेज नहीं दे रहा है। ऐसे लग रहा है जस्ट एक बीबी क्रीम भी एक अच्छी कवरेज दे देती है, इसने मेरी स्किन को अच्छी कवरेज नहीं दी। बिकॉज शायद मैंने शेड मैंने चूज़ नहीं किया था अच्छा, तो शायद इसीलिए। तो जब मुझे कवरेज अच्छी नहीं मिली तो मैंने अपना पुराना फेवरेट मेबलिन का फाउंडेशन इन द शेड 128 वार्म न्यूड है मेरा शेड, उसको मैंने अप्लाई किया। एंड बहुत ही हल्का हल्का मैंने लिया, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लिया कि ज़्यादा केकीनेस ना हो जाए फाउंडेशन अगर मैं ज़्यादा लेयर्स लगा लूँ। बिकॉज हमें बहुत सटल लुक रखना है और रोका सेरेमनी को ध्यान रखते हुए हमें एक सिंपल लुक रखना है। क्योंकि वैसे तो रोका लुक्स आजकल बहुत अच्छे दिखते हैं, बट मैंने थोड़ा सा इसको सटल रखा है बिकॉज आगे जो वेडिंग के मैं लुक्स लाऊंगी, वेडिंग सीरीज़ के जो मैं लुक्स लाऊंगी वो थोड़े अच्छे हो सकते हैं। तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर चलेंगे। देन मैंने एक लाइट शेड का कंसीलर लेते हुए अपने अंडर आइज़ को, अपने नोज़ एरिया पे, अपने चिन एरिया पे मैंने अप्लाई किया है सो दैट ये एरियाज़ अच्छे से हाईलाइट हों। एंड ये जो मैंने फाउंडेशन यहाँ पे यूज़ किया है ये है स्विस ब्यूटी का। एंड साथ ही साथ मैंने अपने आइज़ को भी प्रेप कर लिया। आइज़ को प्रेप करने के बाद मैंने पैक का ही छोटा वाला ब्यूटी ब्लेंडर लिया जो मेरे आइज़ को अच्छे से कवरेज दे देगा। अगर आपको अपने आई शेडो को अच्छा पिगमेंट देना है, अगर आप चाहते हैं उसको अच्छा कलर आए, तो आप एक लाइट शेड का ही कंसीलर यूज़ करें अपने आइज़ को, या फिर कोई वाइट बेस आप यूज़ कर सकते हैं। देन अपने क्रीम प्रोडक्ट्स को मैंने पैक कर लिया। तो अपने अंडर आइज़ पे, अपने नोज़ एरिया पे, अपने माउथ एरिया के आसपास मैंने मेबलिन के लूज़ पाउडर से उसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया है सो दैट वहाँ पर पैचीनेस ना हो, ड्राइनेस ना हो। फिर अपनी बारी आती है आईज़ मेकअप पे। तो मैं यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो किट ले रही हूँ। ये बहुत टाइम से मैंने यूज़ नहीं की थी। आई थिंक मैंने अपने शायद सेकेंड या थर्ड ट्यूटोरियल के बाद इसे यूज़ ही नहीं किया, तो सोचा कि इसको एक ट्राई दिया जाए, इसी की हेल्प से एक लुक किया जाए। तो इसमें से लाइट ब्राउन शेड लेते हुए मैंने अपने ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ही मैं इसको मैसी कर रही हूँ, सो दैट एक अच्छा सा सिंपल लुक रखना है तो मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ही उसको ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने कोई शार्प ब्रश यहाँ पे नहीं लिया, तो ब्लेंडिंग ब्रश से मैंने कलर को अच्छे से ब्लेंड कर दिया। देन मैंने हिलैरी रोडा का पैलेट लेते हुए ये दोनों शेड्स लिए हैं, ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन, एंड उसको मैंने कोई कट क्रीज नहीं किया है, एक छोटे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, जो कि फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है प्रोवाइड का, उसी की हेल्प से मैंने अपनी आईलिड पे उसको कवर अप कर लिया। मैंने यहाँ पे कोई कट क्रीज नहीं की। अगर आप चाहते हैं इस कलर को और अच्छे से एनहेंस करना तो आप कट क्रीज भी कर सकते हैं, बट मैंने जैसे बताया आपको यहाँ पे सटल लुक रखा है, तो मैंने सिर्फ अपने आउटफिट का कलर देते हुए उस कलर का यूज़ किया है, वरना मैं उस कलर का भी यूज़ नहीं करती। देन मैंने अपनी मेकअप रेवोल्यूशन का शिमर ब्रिक वाला किट लिया है, हाइलाइटर किट, एंड उसमें से फर्स्ट शेड लिया है मैंने। आप कोई और कलर भी ले सकते हो। तो मैंने गोल्डन टेंट शेड लिया है। देन मैंने उसको अपने आईलिड पे अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद जो मेरे फेस पे एक्स्ट्रा पाउडर था, मैंने उसको डस्ट ऑफ करते हुए मैंने मिस क्लियर का ना जो लिक्विड आई शेडो था, मैंने उसी को ही अपने आईज पर और शिमर देने के लिए उसको अप्लाई किया। देन अपने फेस को हाईलाइट किया है मैंने, अपने अंडर आइज को, अपने जॉ लाइन को हाईलाइट करने के लिए वेट एंड वाइल्ड का ब्रॉन्जर किट लेते हुए उसी में से हाइलाइटर पाउडर लिया। देन उसको मैंने थोड़ी देर के लिए रखने के बाद मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ब्लश लिया है, बहुत ही अच्छा पिंकिश ब्लश है ये। देन मैंने यहाँ पे सिवाना ब्रॉन्जर किट की हेल्प से बहुत ही लाइट ब्रॉन्जिंग की है। जैसे मैंने आपको बताया मुझे बहुत ही सटल लुक चाहिए, तो मैंने यहाँ पे हर चीज को बहुत ही कम रखा है, चाहे वो आई शेडो हो, चाहे ब्रॉन्जिंग हो, चाहे ब्लश हो। देन आई लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन का जेल लाइनर यूज किया है एंड उसको थोड़ा सा विंग दिया है। आप चाहे तो उस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन की शिमर ब्रिक लेते हुए अपने बेस्ट फीचर्स को हाईलाइट किया है, अपने चीक बोन्स, अपने ब्रिज ऑफ द नोज पे, अपने चिन एरिया पे, अपने क्यूपिड बो एंड अपने ब्रो बोन पे मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। एंड मैंने ब्रश की ही हेल्प से ही इसमें किया है जल्दी जल्दी, सो दैट एक सटल लुक रखे। मैंने इसको अगर मैं फिंगर की हेल्प से करती जो थोड़ा सा डार्क लगता, इसलिए मैंने फिंगर की हेल्प से नहीं किया। देन मैंने रिमेल लंडन का ग्रीन काजल लगाया एंड एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैंने हिलैरी रोडा के पैलेट में से ग्रीन शेड लेते हुए उसको काजल के साथ ब्लेंड कर लिया। अगर आपके पास काजल नहीं है, आप डायरेक्ट उस कलर को भी अपने काजल के साथ, अपने ब्लैक काजल के साथ ब्लेंड कर सकते हैं, तो सेम लुक आएगा, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। एंड उस लुक को मैंने थोड़ा सा एनहेंस किया है सो दैट वो मेरे आउटफिट से थोड़ा मैच हो। मैंने यहाँ पे मस्कारा का यूज़ किया है, लैक्मे आइकॉनिक मस्कारा, बहुत ही अच्छा मस्कारा है। एक ही स्ट्रोक में आपके लैशेज को, आपके फॉल्स लैशेज एंड आपके नेचुरल लैशेज को बहुत अच्छे से मर्ज कर देता है। देन मैंने यहाँ पे लिपस्टिक का शेड भी बहुत ही सटल रखा है, नायका का ये शेड है, इन द शेड ऑरेंज वाइज, एक कॉरल शेड है, थोड़ा सा डार्क कॉरल शेड है एंड थोड़ी सी क्रीमी लिपस्टिक है ये। एंड इसी को मैंने, इसी की हेल्प से ही लिप लाइन किया है एंड इसी की हेल्प से ही मैंने अपने लिप्स को फिल किया है। एंड थोड़ा सा डिफरेंट है, पिंक पिंक रेड मेहरून से, एंड पूरे लुक को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है। एंड हेयर इज़ माई फाइनल लुक गाइज। तो इस लुक को आप कभी भी कहीं भी वेयर कर सकते हैं, चाहे आपको रोका के लिए रेडी होना है या आपको मेकअप अपनी पूजा के लिए, आपको किसी भी पूजा सेरेमनी के लिए आपको रेडी होना है, आप कोई भी छोटे मोटे फंक्शन के लिए आपको रेडी होना है, तो आप इस तरह का लुक कर सकते हैं। बहुत ही सटल एंड ये बहुत ही एलिगेंट लगने वाला लुक है। सो आपको ये लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।